देवी भागवत महात्म्य के प्रसंग में सय्यमंतक मणि की कथा। ऋषिगढ़ बोले, महाभाग, वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा। हे सुमते, हे सूत जी, किस विधि और किस से वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया, आप हम लोगों को यह कथा बताएं। सूत जी बोले, भोजवंशी सत्राजित द्वारिकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्यदेव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्राजित को सय्यमंतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारिका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्राजित को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्राजित है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त सय्यमंतक मणि से दीप्तिमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्राजित ने स्वस्ति वाचन कराया और भलीभांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष, भूकंप, प्राकृतिक आपदा का भय उत्पन्न नहीं होता था। और उस मणि की एक और विशेषता यह थी कि वह नित्य 8 भार स्वर्ण दिया करती थी। तदंतर एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसेन को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली ऋक्षराज जामवन ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर और उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी ऋक्षराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी और वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ काल बीतने पर भी प्रसेन के वापस न लौटने पर सत्राजित अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से ना जाने किसने प्रसेन को मार डाला। इसी बीच द्वारकापुर में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत से किसी प्रकार या किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही प्रसेन को मार डाला। श्री कृष्ण भी जब अपने विषय में अपियस की यह बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक को परिमार्जन करने हेतु अन्वेषणार्थ नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा और तदंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वे कुछ दूर गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणायुक्त वाणी में नागरिकों से बोले, मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तुम लोग यहीं पर रहना। वे द्वारिकावासी ठीक है ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ जामवन का घर था। तत्पश्चात वहाँ पहुँचने पर श्री कृष्ण ने ऋक्षराज के पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा।
इस पर उसकी धात्री भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज सुनकर जामवन तुरंत वहां आ गया और वह अपने पूर्व स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारकावासी में गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर को लौट गए और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों को सारा वृत्तांत कहा। द्वारकापुरी के सभी नागरिक यह सब सुनकर सत्राजित की भर्त्सना करते हुए अत्यंत शोक विहल हो गए। महाभाग वसुदेव जी ने अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद वहां आ गए और वसुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की। देवर्षि नारद महामति या दूसरेष्ठ वसुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित हैं या मुझे बतलाइए। वसुदेव जी बोले, मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारिका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहां उसने प्रसेन को मरा हुआ देखा। इसके बाद प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिस कारण मैं चिंतित हूँ। अतः हे मुनि, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूँ। नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देव की आराधना कीजिए, उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, वे देवी कौन हैं, वे महेश्वरी किस प्रकार के प्रभावशाली हैं तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है, हे देवर्षि कृपा करके यह सब बताइए। नारद जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, देवी के अतुलित महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है, अतः मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ, आप उसे सुने। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप और परत परा देवी हैं तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिसका स्तवन करके भगवान विष्णु मधुकैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनके कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हुए और जो संसार के बंधन की करुण रूपा है, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, वे ही परम विद्या स्वरूपा हैं और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वर हैं। आप नवरात्रि विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगी। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्यों से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। नारद जी के ऐसा कहने पर वसुदेव जी नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य से संबंधित एक अपना वृत्तांत मुझे याद आ गया, मैं उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया। उसके बाद मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए, तब मेरी निर्दोष भार्या देवी देवकी अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। इसके पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी का दुख बताकर कहा, हे भगवान, दया सिंधु, हे मुनिवर, आप यदु कुल के गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। इसके अनंतर
दया निधान गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती हैं। आप उन कल्याणकारी देवी की आराधना कीजिए, इससे शीघ्र आपका कल्याण होगा। उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनि श्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दें। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं होता। हे महामते, अब आप ही इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने से मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले, हे वसुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूँगा। मेरे द्वारा प्रीति पूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि ने देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि ने जगत की मात स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। जप पूजन आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अतएव तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। समस्त प्रकार के पाप एवं अनाचार स्वरूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के भय से वसुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही नंद के घर पहुँचा देंगे और वहाँ से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। तदंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। तभी से मैं देवी के अत्युत्तम महात्म्य का जान रहा हूँ और हे देवर्षि, आज भी आपके मुखारविंद से मैंने वही देवी महात्म्य सुना। अतः हे प्रभु, अब आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाइए। हे दयानिधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हैं। वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ की। कथा में आने वाली विघ्न बाधाओं के समनार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्त्रोत का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वसुदेव जी देवर्षि नारद के मुख से निसृत अमृत स्वरूप श्री मद देवी भागवत पुराण की भक्ति पूर्वक श्रवण करने लगे। नौवे दिन की कथा की समाप्ति होने पर महामनस्वी वसुदेव जी ने श्रीमद देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उधर कंदरा में श्री कृष्ण तथा जामवान के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टिका प्रहार से जामवान का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया था। उसी समय जामवान को भी पूर्व काल की घटनाएं याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप रघु श्री श्री राम ही हैं जिनके भयंकर कोप से सागर एवं लंका नगरी दोनों क्षुब्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। हे श्री कृष्ण, वे राम आप ही हैं, अतः मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मैं आपका सर्वथा सेवक हूँ, अतएव मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जामवान का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे रक्षराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हुए हैं। तत्पश्चात रक्षराज जामवान ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके संयमन तक मणि तथा अपनी पुत्री जामवंती उन्हें प्रसन्न
प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जामंती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और ऋक्षराज जामवन से विदा लेकर वे द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान कर गए। उधर द्वारका में उदार हृदय श्री वसुदेव जी ने श्रीमद देवी भागवत पुराण कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा नाना विध दक्षिणा से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय ब्राह्मण वसुदेव को आशीर्वचन प्रदान कर रहे थे उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी जामवंती के साथ वहां आ पहुंचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी तथा उपस्थित जन समूह की आंखें हर्षित के कारण अश्रु से परिपूर्ण हो गई और वे परम आनंदित हो गए। देवर्षि नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात तथा कलंक नाशक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य द्वितीय अध्याय पूर्ण हुआ। अब अगला अध्याय आप अगली वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।